हेलो गाइस, आपको रिवर एकेडमी पर आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने ये मैथ का मॉक टेस्ट, इससे पहले हमने दो मॉक टेस्ट करा दिए हैं, ठीक है। तो वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन जो लिंक है आप जाकर उनको जरूर देखिए, और अपनी मैथ जो आपने लगाई कहीं भी लगाई हो और आप मॉक टेस्ट इसमें कितने सही कर पाते हैं वो बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो आप बुक में लगाते हैं वो यहाँ तक लगाने के बाद ढील देते हैं, और जो एग्जाम में आते हैं वो थोड़ा एक स्टेप बढ़कर आते हैं। तो उसी तरीके का आपको इस सेशन पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस श्रृंखला को शुरू करते हैं, और उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रिवर अकेडमी को, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा, क्वेश्चन सबसे पहले जरूरी होता है क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर एक है आपका, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 15 30 दिन में कर सकते हैं। यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो काम का 40% भाग कितने दिन में पूरा हो पाएगा। देखिए, यहाँ तक ये क्वेश्चन थोड़े कठिन माने जाते हैं, बारी बारी वाले क्वेश्चन है, काम टाइम एंड वर्क से सबसे लास्ट में आपको बुकों में देखने को मिलता होगा। लेकिन ये चीज 40%, ये आप जब एग्जाम देने जाते इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो इन ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना, जो आप कभी भी पेपर देने जाए तो आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बहुत आसानी से हल कर सकते। सबसे पहले ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, ठीक है। और सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो इसका एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 आने के बाद ये कितने बार जाएगा, यहाँ 3 आ जाएंगे, यहाँ कितने, 15 दूनी 30, और यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। देखिए, फिर उसने कहा यदि बी की सहायता, मतलब बी यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन सहायता करता है, यानी ए पहले दिन करता काम, ठीक है, फिर दूसरे दिन भी ए करता, जैसे ही तीसरा दिन आता है इसकी सहायता के लिए दो लोग और आ जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों लोग साथ मिलकर काम करने लगते हैं। अब बात करते हैं काम को कितने कर लिया है। देखो, पहले दिन ए करता है 3, फिर ए पहले मतलब दूसरे दिन करता है 2, फिर तीसरे दिन तीनों लोग शामिल हो जाते हैं, 3 2 5 1 6। तो यानी मेरा काम 3 दिन में कितना हुआ है, 3 दिन में मेरा 12 काम हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आई, कितने दिन में हुआ है ये मेरा काम है और कितने दिन में हुआ है अभी आपको बताएंगे, 3 दिन में। अब बात करते हैं ये 30 मेरा एलसीएम आया, तो उसने कहा काम मेरा टोटल कितना है, 30 है, 40%, 30 का 40% निकाल लो तो इसका कितना होगा, 12। तो यानी मेरा 12 आ भी गया है, आ गया। तो 12 काम कितने दिन में कर रहा है, वो 3 दिन में कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, मतलब सॉरी डी चला जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3 दिन, यानी तीसरा। आपको समझ में आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा उन्होंने एक स्टेप बढ़ा दिया और आपने क्वेश्चन को गलत कर लिया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर एक था। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, ठीक है। और उससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने ये रहा, आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा उसके बाद ही क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा है, 20,000 रुपये की धनराशि के लिए छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर 1 से 1/2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे पहले हमने आपको सूद भी बताया था और ऑप्शन से भी बताया था, ये हम थोड़ा आपको अलग बताएंगे क्योंकि आपको हम ये चाहते हैं कि आप ज्यादा सूत्र याद ना है, बस कॉन्सेप्ट को सीखें। इसने सबसे पहले क्या पूछा है, सी आई और -SI, ठीक है। तो यही चीज पूछी, तो आपको हम इसमें हम बताने वाले हैं किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले जब कभी भी आपको छमाई भी दिख जाए तो जो आपकी दर होती है उसमें आपको 2 का भाग देना होता है। ये चीज आपने पढ़ी होगी, टाइम मेरा कितना है, टाइम मेरा 2 एकम 3/2 है। तो टाइम में 2 का गुणा किया जाएगा और इसमें भाग दिया जाएगा, ये चीज याद रखना कभी भी छमाई आती है। तो आर मेरा कितना आ गया, 5%, ठीक है, और ये 2 से 2 यानी टाइम मेरा 3 आ गया। और 3 वर्ष के लिए हमने एक सूत्र बताया था, वो आपको याद है तो कोई नहीं, याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको याद करना चाहे तो कर लें, वैसे हम आपको अपना कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। सबसे पहले आपको सी आई कितने, 5%, 5% कितना होता है, 1/20 होता है, ठीक है। तो 5 का कितना% होता है, कैसे करना है, नीचे 100 कर देने हैं, 5 दूनी 10, यानी 1/20 होता है। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, देखना कितने है, 20,000 रुपये हैं, 5% पहले इसका निकाल दूं, 1/20 जाएंगे,
तो ये कट गए मेरे, कितना बचा? 1,000 रुपये। ये चीज आप ध्यान से समझिएगा, 1,000 रुपये है, कितने वर्ष के लिए देना? 3 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले 3 बार लिख लेना इसको, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने लगाए होंगे जब आप ये मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मानते हैं आपने ऐसे क्वेश्चन लगाए होंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज का ब्याज लगता है, यानी ब्याज से आज जैसे बोलते हैं वो चीज लगती है। तो अब आपको 1,000 पर 5% फिर ब्याज लगे, तो 1/20 हो जाएगा। 0 से 0 गई, ये मेरे कितने आ गए? 50 आ गए। तो 50 तो यहाँ आ गया, देखिए ये इसका ब्याज है। अब नीचे आएंगे तो इसका भी ब्याज लगेगा 50, ठीक है, क्योंकि 1,000 है हम निकाल चुके। फिर इसका भी ब्याज लगेगा 50, और फिर 50 का भी ब्याज लगेगा। ये चीज आपको पता होगी, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, आपको इसको सीखना चाहिए। तो 0 से 0 खत्म, 2 का जब भाग दोगे तो 2.5 आएगा। और देखिए एक चीज याद रखिए, 2.5 आ गया है, और आपको हम बताते हैं कभी भी ये आपका रहता है इतना, ध्यान रखिए ये आपका जब इस कॉन्सेप्ट से लगाओगे ये तुम्हारा CI माइनस SI रहता है। और ठीक है, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं लास्ट में 2.5 कहाँ है, बस आपको इनको जोड़ना है 150 और 150 152.5, देखिए ऑप्शन नंबर आपका भी। ये आपको समझाने में इतना टाइम लगा, वरना बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, आपको सूत्र की कोई जरूरत नहीं। हम ऑप्शन से भी बताते हैं, सूत्र का भी भूल गए तो कॉन्सेप्ट एक बार आपके क्लियर है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते। और इसकी आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, आसिफ अली टैग, ठीक है, तो वहां ये PDF आपको मिल जाएगी। चलिए आप थोड़ा एडवांस के भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, साइन ए प्लस कॉसेक के बराबर 2, तो साइन की पावर 100 ए प्लस कॉसेक की पावर 100 ए बराबर क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए, साइन का क्या होता है, कॉसेक का 1/sin, तो इसको हम खोल लेते हैं, साइन ए प्लस 1/sin। अब ये कैसे हुआ, इसका मान होता है, याद रखना 1/sin ए, ठीक है, कैपिटल ये स्मॉल आप थोड़ा देख लें, चलिए स्मॉल ही बना दें, ये तो पूरा खत्म ही कर रहा, चलिए कोई नहीं फिर से करते हैं। तो 1/sin ए, ठीक है, और इसके बराबर हमें 2 दिए गए हैं। तो देखिए जब इधर कुछ नहीं हो, अब हमें इसको इधर भेजना, तो सबसे पहले इधर कुछ नहीं, भिन्न की तरीके से हल करना पड़ेगा। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ये उस तरफ चले जाएंगे पूरा, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 sin ए हो गए, स्मॉल बना दिया। तो साइन इधर ले आएंगे तो मेरे ये क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस के 2 sin ए प्लस के 1। ये चीज आप जो बीच में क्यों कर दी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा इसी पास इसलिए कर दिया। इसमें से देखिए इधर भी साइन इधर भी साइन, तो हम साइन को ले लेते हैं कॉमन, साइन ए मेरा कॉमन आ गया, तो क्या बचा, इधर एक साइन बचेगा, ठीक है, और माइनस, अब देखिए यहां से ये साइन चला गया, आप समझना यहाँ लाइन बनना बढ़ जाएगी ना, साइन ये चला गया तो माइनस के 2 प्लस के 1 बचा, तो यानी माइनस का 1 बचेगा, तो हम यहाँ माइनस के 1 लिख दे रहे, बराबर 0। और ये चीज जब इसके नीचे जाएगी 0 की, तो वो 0 ही रहती, तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस 1 बराबर 0। तो साइन का मान मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। अब बात करते हैं कि इधर कॉसेक दिया, तो कॉसेक बराबर हमने आपको बताया ही है, कॉसेक ए लिख दे रहे बड़ा, ठीक है, कोसेक ए बराबर 1/sin ए, ठीक है। तो साइन की पावर, एक की पावर जितनी हो वही रहता, ये 1 रहा प्लस, अब इसका 1/ इधर करोगे 1, तो वो तो एक ही रहता, कट के 1 ही आ गया, यानी 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन आपको दिख रहा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये एडवांस का क्वेश्चन था तो आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 था, हमने बिल्कुल बेसिक से बताया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू में थोड़ा आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल गए होंगे, लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं मिलेगी, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप बस दिमाग लगाओ, और इसमें सबसे सरल हमें यही क्वेश्चन लगा जब हम ले रहे थे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का, हम सोचे ये क्यों दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 है बराबर 0 है, तो हमें इस फॉर्म में बनाना, तो सबसे पहले इसमें हमें भाग देना पड़ेगा, दोनों पक्षों में भाग देने पर, जैसे आप इसमें x का भाग देंगे तो 0 ही रहता है, इसमें भी x का भाग देंगे,
इसमें भी x का वाल देंगे और इसमें भी x का वाल, इससे एक x खत्म हो जाएगा तो यहाँ x बचेगा, ठीक है। माइनस इधर से ये कट जाएगी तो माइनस के तीन बचेंगे, और ये तो इधर x है ही नहीं तो कट नहीं पाएगा, बराबर ये x का भाग उसमें यानी जीरो आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते x प्लस वन अपॉन x बराबर तीन। तो बताओ कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए। और आने वाले टाइम में इसके क्वेश्चन की प्रोसेस बढ़ जाएगी, अभी तो ये निकला ये निकाल लिया, वो पूछ देंगे कभी एक्स की पावर दो, वन अपॉन एक्स की पावर दो, इसका मान ज्ञात करो। तो ये चीज भी आपको अब समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करना, तो पावर चढ़ा देते इस तरीके से दे देते, वो इस तरीके ना देकर, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन नंबर आपका चार था। क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच में क्या कहा गया। और उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच, आप एक आदमी 24 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो किलोमीटर मतलब ये क्या है मेरा, ये चीज आपको समझना चाहिए, ये मेरी है दूरी, ठीक है। 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जब देखो प्रति घंटा आ जाए तो समझ लेना स्पीड की बात होती है, किलोमीटर की बात तो यानी डी की बात हो रही है, और सेकेंड टाइम आम की बात हो तो समझ लो मतलब सेकेंड मिनट और घावर दें तो ओनली तो टाइम की बात हो, आपको समझ में आ गया। तो उसने पूछा क्या है, यहाँ तक थे, तय करता दूसरी 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी दूरी 24 किलोमीटर दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता, तो पूरी यात्रा यानी पूरी यात्रा जितनी चला यानी प्लस के लिए औसत। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको औसत के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। औसत का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं, जैसे ये तीन लोग हैं तो तीन का आपको भाग देना पड़ेगा, ये चीज आपको पूछना चाहता है, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं और इसको इरेज करते हैं, आप क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए उससे पहले आप कोशिश करिएगा आप क्वेश्चन लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपके पास क्या है डी है, डी बराबर आपके पास कितना है 24 है, ये डी वन है, ठीक है। ये डी टू आपको कितना दिया गया है 24 दिया गया है, फिर डी टू डी थ्री कितना दिया गया है 24 दिया गया। अब बात करते हैं आपको स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड आपको 6 दी गई है, ये स्पीड वन, स्पीड टू 8 दी गई, स्पीड थ्री कितनी दी गई, स्पीड थ्री आपको 12 दी गई। तो टी बराबर पूरी यात्रा में औसत गति कितनी है, मैंने टाइम टाइम पूछ रहा, तो यानी टी बराबर सबसे पहले तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, वो गति यानी स्पीड पूछ रहा है तो डी अपॉन टी चाहिए चाहिए टोटल के लिए। तो सबसे पहले हमें टी निकालना है, टी कैसे निकली इससे, तो टी वन का हम निकालेंगे तो टी बराबर क्या होता है डी अपॉन एस, एस वन एस वन, तो रखेंगे डी मेरा 24 अपॉन 6, 6 चौको 24 यानी टी मेरा 4 आ गया। तो आप डायरेक्ट कर लें 24 अपॉन 8, 8 16 38 24 आ गया, मतलब कट के 3 आ गया, और ये मेरे 12 हैं, और ये यार गलत हो गया थोड़ा, यहाँ से इसको हटाओ, ये तो एकदम ज्यादा ही बड़ा। चलिए यहाँ कितने करने थे 24, तो यहाँ कितने करने हैं 24 अपॉन 12, 12 दूनी 24 यानी 2 आ गया। तो मेरा टोटल टाइम कितना आ गया, ये 7 8 1 9 आ गया, यानी टाइम मेरा कितना आ गया 9। अब उसने डिस्टेंस तो इसको हम जोड़ लेंगे पूरी डिस्टेंस, ये कितनी है 72 हो जाएगी, 24 दिया 72। अब उसने पूछा क्या स्पीड, तो स्पीड बराबर मेरे ये डी निकल आया। अब आपको क्या चाहिए, बस इसमें मान रख देना 72 अपॉन 9 8 72, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आई, ठीक है, नहीं आया तो आप एक बार और देख लें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये रहा। देखिए इसलिए ये लिए आप धीरे धीरे क्या करेंगे, आपके एडवांस के भले ही आप एडवांस नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सूत्र भी याद होने चाहिए। क्या होता है एग्जाम में आप सोचते हैं एडवांस बहुत कठिन है लगाते नहीं, लेकिन आप उनके फॉर्मूले ही आपको याद है तब तक आपका काम चल जाएगा, मतलब एग्जाम पे एडवांस ज्यादा हाई नहीं पूछते। अब जैसे घन आ गया तो सबसे पहले आपको घन के बारे में पता होना चाहिए, कैसे घन होता है, ये आपका घन होता है, ठीक है। तो इसके हम थोड़े आपको सूत्र भी बता देंगे, तीन सूत्र हैं वो आप याद कर लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन है उसको आपको लगाना है, ठीक है। ये होता है घन। अब बात करते हैं घन का आयतन कितना होता है, तो आप याद रखना आयतन आपका होता है, और इसमें आयतन ही पूछा गया ए, Q,
अब उस विकर्ण कितना होता है घन का, सीधे हम विकर्ण लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको सूत्र भी याद हो, विकर्ण आपका होता है √3a, ठीक है। ए को भुजा भी बोलते हैं। और दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो उसका भी सूत्र होता है। ये बस तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। इसका हो जाएगा 6a²। तो अब बात करते हैं इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा 6a² है, बराबर हमें कितना दिया 7 2 6, काट दें इसे, ए स्क्वायर बराबर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी ये कितने का वर्ग है 11। समझ में आ गया यहाँ तक। अब उसने पूछा क्या है, अब पूछा आयतन, तो आयतन का क्या होता है a³। तो बस इसमें 11 का घन कर दो, 11 का घन कितना होता है, 11 का घन होता है आपका 13 31, ठीक है, 13 31, ऑप्शन नंबर आपका पहला आ जाएगा। समझ में आ गया, तो आपको ये तीन सूत्र याद कर लेने, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। जो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया सेम उसी तरीके से है, हम इसीलिए लाए ये क्वेश्चन कि आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। तो घन का विकर्ण मेरा कितना होता है, a√3 बराबर r√3, तो घन का किनारा वही पूछा है, तो √√ खत्म, तो a बराबर आपका 8 हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देख पढ़िए क्वेश्चन को आप, उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि का 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, कभी भी कोमा का यूज किए आप ध्यान से याद रखना, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन खत्म हो, ये कहना चाहता है 16,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका साधारण ब्याज सीआई है, उसमें आप जैसे ही आप 2 का भाग देते हैं वो आपका एसआई बन जाएगा। ये मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको ये शुरू कॉन्सेप्ट बताया कि कितने परसेंट है मेरा, और मेरा 10%, इसका 1/10 होता है। और टाइम हमें कितना दिया गया, टाइम दिया है 2 वर्ष, तो मुझे ये कितने दिए गए यहाँ लगाते हैं 16,000 कम 10% निकालेंगे 1/10, तो कटने के बाद कितने आएंगे 16, सॉरी आपके आ गए, तो कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। अब 1600 का भी ब्याज लगेगा, मैंने कहा ब्याज का ब्याज लगता है इसमें, तो ये कितने हो गए 160, तो बस इतना ही लगेगा। यहीं तक हमसे पूछा, ये पहली साल है, ठीक है, और ये दूसरी साल है, 16 दूनी 32 और 160 इसको भी जोड़ देंगे 360। अब उसने क्या कहा, ये मेरा सीआई होता है, ध्यान रखना ये मेरा पूरा क्या होता है सीआई होता है, और ये इतना ये मेरा क्या होता है सीआई होता है, और ये इतना मेरा क्या होता है, हमने आपको ये भी क्वेश्चन आया था CI-S, तो ये चीज याद रखना, जहां जैसी जरूरत होती है आपको हम बताते रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। इसमें आपको 2 का भाग देना, जैसे ही आप 2 का भाग देंगे ये SI बन जाएगा, तो ऐसा ही, यानी 2 एकम 2, ये 6 2 बटे 16 और ये यानी 1680 आ गया। तो ऐसा ही बराबर मेरा क्या होता है, ऐसा ही बराबर PRT/100, ठीक है। तो ऐसा ही मुझे कितना दिया गया 1680, ये चीज आपको समझ में आई। P मुझसे पूछा गया है, R मुझे 8% दिया गया है, और टाइम मुझे 3 वर्ष, नीचे 100 चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम काट दें इसको, कोई दिक्कत आपको, 8 2 16, 8 एकम 8, ये 1 0 लग गया, फिर 3 से काटे 3 7 21, यानी 70 आ गए, तो 70x/100, तो ये ऊपर चले जाएंगे, तो मेरे कितने आ जाएंगे 7000। कहीं है ऑप्शन 7000 का, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से क्वेश्चनों को करना होता है। ये देखा क्वेश्चन कुछ नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन है, सूत्र हमने एक भी नहीं बताया, बस SI बराबर PRT/100, यही सूत्र मैन होता है बस, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रिवर अकेडमी को, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, ठीक है, और लगाइए क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:4 अनुपात है,
दोबारा अनुपात है यदि टाइपिंग से पहली संख्या का 40% कोमा लगा है, ध्यान रखना हमने आपको बताया कोमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 12 है यानी खत्म हो गया क्वेश्चन, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कभी भी अनुपात आपको दिखे तो आपको क्या करना है उसके साथ एक्स जोड़ना, क्या जोड़ना है एक्स जोड़ लिया। अब यहां से पढ़िए पहली संख्या यानी ये मेरी पहली है ये दूसरी है, पहली संख्या का 40% यानी 5x गुणा 40% यानी नीचे 100 का 12 है यानी कोमा ये बताना चाहता है ये चीज, तो 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 खत्म और इससे ये 6 यानी x बराबर मेरा 6 आ गया। ये चीज आपको समझ में आई। अब आगे क्या कहना चाहता है, दूसरी संख्या मेरी कितनी है 4x है, तो हमने ये 4x लिख ली, उसका 50% 50/100 कर दिए उसने कहा, और x का मान मेरा कितना निकला है 6, तो बस 4 गुणा 6 गुणा 50/100, 50 दूनी 100 और ये 2 6 दूनी 12, देखिए कहीं ऑप्शन आपको 12 दिख रहा हो वही आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ गया। थोड़ा सा इन्होंने घुमाया और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था ऐसा जो आप बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं था ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था और क्वेश्चन आखिरी होगा, कोशिश करिएगा आप लगाने की, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इसमें हम आपको अनुपात का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। आप मेरे वीडियो पूरे देखते हैं तो आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये देखते हैं 10, ए और बी का अनुपात ये है ठीक है, बी सी का अनुपात ये है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं ये बी है, बी अनुपात सी है, फिर क्या है सी अनुपात डी है, तो ये कॉन्सेप्ट में आप ध्यान रखना, कभी भी इस कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है तो ये चीज यहाँ कॉमन होनी चाहिए, जैसे यहाँ ये है कॉमन, बी बी है यहाँ सी सी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इनको बराबर करना पड़ेगा ठीक है। अब अनुपात लिख लेते हैं, 2:3, 1:2, 4:1 ठीक है। सबसे पहले जब आप सामने टू सामने गुणा कराएंगे तो आपका ए निकलेगा, इसका सामने टू सामने गुणा कराएंगे तो डी निकलेगा, हमेशा जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन लगा लें, तो 4 दुनी 8, 8 मेरा क्या आया ये ए आया, और 3 दुनी 6, 6 मेरा क्या आ गया डी आ गया, तो ये तो निकाल लोगे समझ में आ गया। अब लेकिन अब निकालना हमें बी और सी, देखिए बी के लिए हम किधर मुड़े थे इस तरफ मुड़े हैं, मुड़े हैं तो हम इस तरफ मुड़ेंगे, मुड़ गए तो ये में 3 एकम 3, फिर ऐसे मुड़ जाएंगे 3 एकम यानी 3 और 3 चौक 12 यानी ये मेरा क्या आ गया बी आ गया, समझ में आ गया। अब सी निकालना है तो देखिए इसमें कब कब ऐसे ही मुड़े नहीं, अब थोड़ा इसका अपोजिट हो जाता है, ये ऐसा आया तो अब ये ऐसा जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, इस तरीके से ये आपका सी निकलता है, ध्यान रखना ये सी है ये आपका बी है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये 2 से कट रहे हैं तो हम उन सबको काट सकते हैं, ये मेरा 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 12 आ जाएंगे, ये 3 आ जाएंगे। अब उसने बोला है ए और डी का अंतर 500 यानी इनका, और हमने बोला जब भी अनुपात दिया जाए उसके साथ क्या लगाना है एक्स लगाना, लगाना या नहीं लगाना, तो हमने ये एक्स लगा लिया, इधर 3x लगा लिया, इनका इनका अंतर देखिए कितने का है, तो 4x-3x बराबर हमें कितना दिया गया है 500 दिया, तो x बराबर मेरा कितना आ गया 500। अब उन्होंने पूछा किसका मान है वो देख लीजिए, c का मान बताइए, c का मान इसमें कितना है, ये रहा जिसके साथ x है तो आपका कितना है 12x, तो 12x तो 12 गुणा 500, 12×5=60, तो यानी ये आपका कितना हो जाएगा 6000, देखिए कहीं ऑप्शन है 6000, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो आपके ये 10 क्वेश्चन थे, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और धीरे धीरे जब आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देने लगेंगे हम क्वेश्चनों को, आप बताइएगा आप ये क्वेश्चन कैसे हैं, लेवल और बढ़ाएं या ठीक है, या धीरे धीरे करके हम ये सोच रहे हैं धीरे धीरे करके आप कॉन्सेप्ट सिखाते जाएं और लेवल को भी बढ़ाते जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपको एंड स्क्रीन पर दोनों ही वीडियो दिख रहे हैं, आप जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं और अपने 30 क्वेश्चन पूरे आप लगा सकते हैं। और इसकी आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ID है आसिफ अली टेक, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिल पाएगी, शायद दे देंगे कोशिश करेंगे, नहीं तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर आसिफ अली टेक, ASHIFF
अली टेक, ठीक है, तो आपको वहाँ ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज का वीडियो आपको यहीं रखते हैं और कल आपको वीडियो देखने को मिलेगी 10 क्वेश्चन, ठीक है, और धीरे धीरे करके आपके क्वेश्चन की लेवल और क्वेश्चन भी संख्या भी बढ़ा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है।